आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम के बारे में। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को, जिनका जन्म 1908 में 5 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की और तथाकथित वंचित वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय वंचित वर्ग लीग की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। सन 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जगजीवन राम शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित जगजीवन राम ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। रिहाई के बाद वे पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में रिहा होने के बाद वो अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठापना सुनिश्चित की। जगजीवन राम अगले 30 वर्ष तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का उदय हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकाल भारत में हरित क्रांति और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब भी याद किए जाते हैं। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।